Ajudou. Que tá o legal. आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। आशीष राय बर्मन मेरा दोस्त है और बिरजीत बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी ख़राब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं। मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के साथ ख़राब नहीं करता हूँ। सर आप लोगों को आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। मैं आपको लगता है, मैं आपके बारे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप मैं देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ, मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ, मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला था, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। मैं उनके संग मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करता। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता। अगर मुझे आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज बीए पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन का में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता। सर ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ त्रिपुरा पार्टी एक साथ एक ही संघ विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना? हाँ तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चला? नहीं नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे सब थे। लोग कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी औरत का नाम बता दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले सुदीप जी आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप तो आप सुदीप से पूछ लीजिए, सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल ख़त्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस दे। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है, बिरजीत बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, इंसान पूजन, पीयूष विश्वास वापस कांग्रेस में गए, पूजन उसके साथ, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है, ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूँ? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता, आम जनता, आप जैसे कि देखिए, मैं कहूँगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहाँ में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा, बोलेंगे एक आदमी था, आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं नहीं एक आदमी था, आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात यह है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि त्रिपुरा मोदा इस बार जो चुनाव मोदा चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो सीपीएम। कौन है विरोधी? मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं नहीं, जो और जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिल के लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक ना? वो बात तो है। आपने क्या बोला था, सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा?
सूत्रों ने ये भी कहा कि आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था, मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिप्रसा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। ना यह के जो लोकल मीडिया है आप लोगों के साथ बहुत कम लोग, आपने किया, आप तो है ही मेरे मित्र, आपने किया, सच में मैं मजाक से नहीं बोलूँ, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिप्रसा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके तिपरा मोटा को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। हाँ, बेच दिया, एक रुपये में बेच पहले या कुछ लेके आया, और जो सोशल मीडिया में बोल रहे ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका, तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका, जो सर जो तिपरा लैंड का जो इशू था, हाँ, वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़ा।